नमस्कार क्राइम गुजरात दोस्तों, आपनो हार्दिक स्वागत है। वकफ बोर्ड द्वारा बुक लॉन्चिंग कार्यक्रम योजना था। आ कार्यक्रम में अमित भाई ठक्कर, अनवर हुसैन शेख विविध हस्तियों हाजर रही थी। जे विषय पर समग्र देश में अनेक चर्चाओं थती हो एवा गहन विषय पर एक पुस्तक अने ए पण कायदानु पुस्तक ऑथेंटिक पुस्तक तरीके लावा माटेनी जेमणे अभ्यासपूर्ण हिम्मत करी छे एवा सूफी अनवर हुसैन भाईए वकफ अधिनियम 1995 अने एना पछी आवेला कायदाओ सुप्रीम कोर्टना जजमेंटो लेटेस्टमां लेटेस्ट जजमेंट साथे एक पुस्तक लोकोनी समक्ष लावानो एक खूब मेहनतना अंते प्रयास सफलतापूर्वक कर्यो छे। ए माटे हूँ एमने अभिनंदन आपूं छूं अने आ कारणे आ विषयने लगता जे कई मुद्दाओ उपस्थित थता हशे ए सामान्य चर्चा में होय के कायदानी अदालतों में होय आ पुस्तक ए अत्यंत उपयोगी थशे एवो मारो भरोसो छे अने एमनी आ मेहनत माटे हूँ एमने अभिनंदन आपू छू अने आवा ज गंभीर विषयों पर एमनी सतत मेहनत चालू राखशे अने अन्य पुस्तकों पण ए समाज समक्ष सफलतापूर्वक लावशे एवी शुभकामना आपू छू। रोल वकफ कायदा उपर छेल्ला 2023 ना जे रूल्स अने रेग्युलेशन ना जे नियमों जे गुजरात सरकार द्वारा जे प्रसिद्ध करवामां आव्या ते अने 2019 जम्मू काश्मीर ने अंदर जे कायदो समग्र देश में वकफ कायदो लागू पड़वामां आव्यो 2019 आनो नोटिफिकेशन आव्यो अने वकफ जे कायदो जे अत्यार सुधी जे कश्मीर में लागू नतो पड़तो ए कायदाना जे मॉडिफिकेशन साथे 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 आज दिन सुधीना जे सुप्रीम कोर्टना अने घणी बधी विविध हाईकोर्टना सेक्शन वाइज अमे जे जजमेंट जे कवर कर्या छे अद्यतन कही शकाय तेवुं वकफना कायदा उपरनुं आ प्रथम पुस्तक आजे अमे लॉन्च करी रह्या छे। प्रजा समक्ष अमारी जनताने पण अनुरोध छे के जे वकफनी विषयनी जे तमाम जे ग्रथियो हती ए ग्रथियो आ पुस्तक दूर करशे तेवो अमने एक आशावाद छे। જૂના જેટલા પણ જે કેસો જે છે એ જૂના કેસોની જે વિસંગતતાઓ જે છે એ નીતિ નિયમો ન હોવાના કારણે વિસંગતતા ઊભી થતી હતી એટલે હવે આ જે નવા નીતિ નિયમો આવ્યા છે એ પ્રમાણમાં જે અત્યારે જે પેન્ડિંગ કેસો છે એમાં પણ એ લાગુ થઈ શકશે પણ જે નીતિ નિયમો પ્રમાણે અગાઉ જે ચુકાદા આવી ગયા છે એ ચુકાદા ઉપર જો બની શકે તો આમાં જે નીતિ નિયમો જે નવા હોવાના કારણે એ લાગુ નહીં થઈ શકે। એ ઇલેક્શન થતો હોય છે, સભ્યો જે છે રાજ્ય સરકાર દ્વારા સભ્યોની નિયુક્તિ થતી હોય છે પણ જે મુતવલ્લીની જે છે એ ચૂંટણી દ્વારા ચૂંટાયેલા મુતવલ્લી તરીકે એટલે મુતવલ્લી એટલે કે ટ્રસ્ટી હોય છે એમની ચૂંટણી થતી હોય છે અને ચૂંટણીની પ્રક્રિયા હાલ ચાલુ છે।